जनसेवा में वर्षों से जो लगा है दिन और रात, हम करते हैं रोग निवारक जीएमसी की बात। इसकी स्थापना से ही जन जन का हुआ कल्याण, रोग विशेषज्ञ योग्य चिकित्सक है इसकी पहचान। जीएमसी जम्मू। मेडिकल कॉलेज जम्मू is celebrating the 50th commemoration year. This is a great occasion for all of us in the medical fraternity to feel a sense of pride and prestige in one of the most premier institutions of Jammu and Kashmir. GMC Jammu has produced thousands of undergraduate and postgraduate students who have excelled not just in Jammu and Kashmir in various branches of medical science, but they have made a great name across the country and the world in various disciplines of medical science. GMC Jammu is also growing by leaps and bounds, be it the infrastructure development with the state-of-the-art medical technologies being installed in Medical College Jammu and associated hospitals, or be it the augmentation of human resource that is being planned in a big way. GMC Jammu in coming years will emerge as one of the premier health institutions of our country. Along with it, academic research and paperwork is one of the prime focus areas that GMC Jammu is bound to undertake in the coming years. I am confident that in the times to come, Medical College Jammu and associated hospitals will emerge as a center of excellence in various branches of medical science and will continue to produce tremendous human resource which will serve not just Jammu and Kashmir but across the country. And I am supremely confident that all these objectives will be met with the active support and collaboration of the government of Jammu and Kashmir. भारत का मणि मुकुट कहे जाने वाले जम्मू व कश्मीर के जम्मू संभाग में त्रिकुटा पहाड़ियों के बीच माँ वैष्णो देवी का वास है और सूर्य पुत्री तवी के किनारे पर बसे मंदिरों के शहर पर प्रसिद्ध जम्मू शहर में जिंदगी का दूसरा नाम है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू। इसे यहाँ के लोग जीएमसी भी कहते हैं। जीएमसी एक ऐसा संस्थान है जिसके बिना जम्मू संभाग में विशेषकर जिंदगी अपनी रफ्तार से चल पाएगी ऐसा सोचना भी बेमानी सा लगता है। जीएमसी जम्मू वास्तव में जरूरतमंदों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। जब कोई सहारा नजर नहीं आता तो हालात से दुखी होकर बीमारी से जूझते जीने की आस लिए उम्मीद की किरण का प्रतिरूप बने जीएमसी की तरफ कदम उठी जाते हैं। जीएमसी ने भी अपनी तरफ से हर वो कोशिश की है कि आने वाले को निराशा हाथ ना लगे। जीएमसी जम्मू जिसका मिशन है मानवता के कष्टों पर विजय पाना। सन 1973 में एक अस्थायी इमारत में जम्मू में जीएमसी ने काम करना शुरू किया और शालामार में बेस एसएमजीएस अस्पताल को साथ में सहयोगी कर लिया। जीएमसी जम्मू का प्रयास है स्वतंत्र भारत में भारत के इस भाग में यहाँ के निवासियों को सेहत से संबंधित हर सुविधा उपलब्ध करवाने का। ऐसे संकल्प के साथ अप्रैल माह सन 1971 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लेट गुलाम मोहम्मद सादिक द्वारा इसका नींव पत्थर रखा गया था। बीते 51 वर्षों में तो मानो जीएमसी जम्मू का कायाकल्प हो गया है। आज ये पूरे उत्तर भारत में एक उत्कृष्ट स्वास्थ्य केंद्र के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। जीएमसी जम्मू से संबंधित अस्पताल
10 जिलों की लगभग 53 लाख जनता की सेवा में लगे हैं। ये अस्पताल हैं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, SMGS हॉस्पिटल, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल, मैटरनिटी हॉस्पिटल, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट तथा साइकेट्री हॉस्पिटल, जिसमें लगभग 800 डॉक्टर्स, 1000 पैरामेडिकल स्टाफ तथा 1500 के लगभग तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्य करते हैं। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए 3 ब्लॉक RSपुरा, कोट भलवाल तथा डनसाल भी संबंधित हैं। अगर जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए तो जम्मू संभाग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं दिलवाने के लिए जम्मू शहर के शालामार रोड पर श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल का उद्घाटन 6 मई सन 1940 में तत्कालीन महाराजा हरि सिंह द्वारा किया गया और चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल की स्थापना सन 1955 में हुई। GMC जम्मू के फाउंडर प्रिंसिपल थे डॉक्टर NS पठानिया। सन 1971 में इसकी शुरुआत 50 MBBS सीटों के साथ हुई। वहीं आज हर वर्ष MBBS की 180 सीटों, PG की 198 सीटों, BSc नर्सिंग की 80 सीटों के साथ 4 विभागों यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी तथा बायोकेमिस्ट्री में DMB कोर्स भी शुरू किए गए हैं तथा 3 और विभागों साइकेट्री, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और न्यूरोलॉजी के लिए स्वीकृत हैं। साथ ही इस वर्ष से BSc पैरा मेडिकल कोर्स के अंतर्गत 110 विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का उद्घाटन सन 1993 में हुआ, जहां पर कर्नल RN चोपड़ा नर्सिंग होम को मिलाकर 850 बिस्तरों की व्यवस्था है। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 13 विभाग और इमरजेंसी सर्विस ब्लॉक हैं। देखिए, पिछले 50 सालों में हमारे मेडिकल कॉलेज ने जो प्रोग्रेस की है वो सामने दिख रही है। हम शुरुआत में जब 72 में मेडिकल कॉलेज का शुरुआत हुआ था, 2 बैरिक्स थे, उसी के थ्रू हमारी टीचिंग होती थी और SMGS हॉस्पिटल था जो हमारा पेशेंट को सर्विसेज देता था। और आज देखिए, आपको एक बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग मिलेगी जिसमें आज हम 1800 बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। इसके अलावा DNB प्रोग्राम्स हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक जो बड़ी हम्बल शुरुआत हमने की थी और 50 साल के बाद देखिए हम एक अब अपनी कंट्री के लीडिंग हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को एजुकेशन दे रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स देश के और विदेश के हर कोने कोने में फैल के बहुत अच्छा पोजीशंस पे अपना काम कर रहे हैं और दे आर हेडिंग मैनी ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अगर पेशेंट केयर में देखिएगा तो आज हमारा हॉस्पिटल और एसोसिएट हॉस्पिटल आके एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है। एक छोटी सी हम्बल शुरुआत के बाद आज 50 साल के बाद देखिए हम एक फोर्स हैं जो विच हैज़ टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द मेडिकल वर्ल्ड ऑल ओवर द कंट्री। तो दिस इज़ ए बिग अचीवमेंट इन लास्ट 50 ईयर्स, दैट यहाँ पे एक छोटे छोटे प्रोसीजर्स होते थे, नॉर्मल एडमिशन होती थी। आज हम किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ओपन हार्ट ऑपरेशन कर रहे हैं, हार्ट वेल्व चेंज हो रहे हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में, कैंसर ट्रीटमेंट में बेस्ट फैसिलिटीज हम पेशेंट्स को दे रहे हैं जो लेटेस्ट हैं। सो वी आर प्रॉब्ली आई थिंक इफ नॉट लेस एट पार विद द टॉप हॉस्पिटल्स ऑफ द कंट्री एज अवेलेबल ऑन डे टू डे। कहा जाता है कि इंसान अगर स्वस्थ हो तब सबसे अमीर होता है, लेकिन अगर वो किसी बीमारी की गिरफ्त में आ जाए तो जिंदगी भी बोझ लगने लगती है। जैसे जैसे मेडिकल साइंस में तकनीक बेहतर होती चली गई, जम्मू संभाग में स्वास्थ्य केंद्रों को अत्याधुनिक बनाने का कार्य होने लगा, जिनमें शामिल हैं आई बैंक, ब्लड बैंक, HDU, BSL-3 लेबोरेटरी इन माइक्रोबायोलॉजी, फ्रोजन सेक्शन इन पैथोलॉजी, न्यू डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, अपग्रेडेड ENT डिपार्टमेंट, नेशनल मेडिकल कमीशन NMC हॉल, कैथ लैब्स, कंप्यूटर असिस्टेड लेबोरेटरी और डॉक्टरों तथा पैरामेडिकल स्टाफ के लिए स्किल लेबोरेटरी। जम्मू शहर के दिल में बसा GMC वाकई सभी के लिए दिल ही है। MBBS की शिक्षा प्रदान करने के साथ GMC जम्मू संभाग में रेफरल अस्पताल के रूप में भी अपना दायित्व निभाता है। GMC में जहां एक तरफ डॉक्टरी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए हर संभव सुविधाएं हैं,
वहीं यहां पर आने वाले मरीजों की देखभाल के लिए भी पूरे इंतजाम हैं। ये जीएमसी में दी जाने वाली सुविधाएं ही हैं कि जम्मू संभाग के अलावा कश्मीर के कुछ भागों तथा साथ लगते सीमावर्ती राज्यों पंजाब और हिमाचल प्रदेश से भी मरीज यहां आकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेते हैं। जीएमसी में वर्तमान में हर प्रकार के स्वास्थ्य विभाग हैं, जिनमें मुख्य हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ईएनटी, आई, जनरल मेडिसिन, फॉरेंसिक मेडिसिन, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, एनेस्थीसिया, ब्लड बैंक, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस एंड वेस्कुलर सर्जरी, चेस्ट डिजीज, कम्युनिटी मेडिसिन, डर्मेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, साइकेट्री, रेडियो डायग्नोसिस, रेडियोथेरेपी, मेडिकल रिसर्च यूनिट और एनिमल हाउस। जीएमसी वास्तव में एक ऐसा संस्थान है जो मानवता को हर बीमारी से निजात पाने में सहायता प्रदान करने के संकल्प में कार्यरत है। यहाँ MBBS, MD, MS, DNB, BDS, MDS तथा पैरा मेडिकल कोर्सेज की शिक्षा भी दी जाती है। नर्सिंग सदस्य भी है इसके उत्साह से भरपूर, जिनका सेवा भाव हुआ है जनता में मशहूर। जीएमसी में आज हर किस्म की सुविधा होने के कारण मरीजों को हर तरह की बीमारियों से छुटकारा दिलवाया जाता है। इनमें मुख्य रूप से मेडिकल विभाग के अंतर्गत गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी की सुपर स्पेशलिटी सुविधा के साथ ही यहाँ विशेष सुविधा सर्जरी विभाग के अधीन पेडियाट्रिक सर्जरी, यूरोलॉजी सर्जरी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी में भी प्रदान की जाती है। किसी जीवित या मृत व्यक्ति के शरीर से ऊतक यानी टिश्यू यानी अंग यानी ऑर्गन निकालकर किसी जरूरतमंद के शरीर में प्रत्यारोपित यानी ट्रांसप्लांट करना वास्तव में जीवन देने के समान ही है। इसीलिए अंगदान को सबसे बड़ा दान माना जाता है और इससे बड़ा मानवता का कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। इसी मिशन पर जम्मू में सोटो यानी स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम NOTP के अंतर्गत सितंबर 2019 से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में कार्य करना आरंभ किया। सोटो GNK रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन रोटो नॉर्थ PGIMER चंडीगढ़ के अंतर्गत कार्य करता है, जिसका सारा नियंत्रण नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो के पास रहता है, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सोटो के अंतर्गत लोगों को जागृत किया जाता है कि वो किस तरह से अपने अंग दान करके औरों के जीवन में रोशनी ला सकते हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू के कार्डियोलॉजी विभाग ने स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ पहली बार डुअल चैम्बर ICD प्रत्यारोपित किया। यहीं पर यूरोलॉजी विभाग ने पहली बार 3D लैप्रोस्कोपी सर्जरी की शुरुआत की। आज शालामार में बेस SMGS हॉस्पिटल में ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनोकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ENT, डर्मेटोलॉजी, नियोनेटल ICU, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, फोटोथेरेपी के विभाग कार्य कर रहे हैं। रोज लगभग बड़े और छोटे ऑपरेशन करके जरूरतमंदों की पूरी तरह से सहायता की जा रही है। SMGS में पीडियाट्रिक्स विभाग ने 24 हफ्ते के 450 ग्राम के नवजात शिशु को बचाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। साथ ही यहाँ पर 6 वर्ष के बच्चे पर पहली बायलेटरल काक्लियर इम्प्लांट सर्जरी 17 अगस्त 2021 को की गई। SMGS में ही ENT विभाग में फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी नेविगेशन सिस्टम लेजर की सुविधा शुरू की गई और साथ ही नेविगेशन सिस्टम फेशियल नर्व मॉनिटरिंग का प्रयोग करते हुए पहली सर्जरी की गई। ENT टेम्पोरल बोन डिजर्शन स्कल बेस्ड सर्जरीज लैब की स्थापना की गई। SMGS अस्पताल में पीडियाट्रिक डायलिसिस सेवा शुरू की गई। यूनिसेफ के अंतर्गत बच्चों के लिए मेंटल हेल्थ और साइको सोशल सपोर्ट की शुरुआत की गई। इसी के अंतर्गत एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज का उद्घाटन साइकेट्री हॉस्पिटल में हाल में ही किया गया। ये उल्लेखनीय है कि GMC पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मेडिकल शिक्षा देने के साथ साथ ही
उनके खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में दिलचस्पी का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। जहां एक तरफ बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल है, वहीं यहां पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तथा ऑडिटोरियम भी है। ये सत्य है कि चरित्र निर्माण के लिए पढ़ाई के साथ ही अन्य गतिविधियों पर भी पूरा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता रहती है। इसीलिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर भी शिक्षण संस्थानों द्वारा विशेष महत्व दिया जाता है। जीएमसी भी इससे अछूता नहीं है। जहां पढ़ाई पर विद्यार्थी पूरी तरह से समर्पित रहते हैं, वहीं खेलकूद में भी अपना भरपूर जलवा दिखाते हैं। समय समय पर प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है, जिनमें यहाँ के विद्यार्थी खुलकर भाग लेकर इस क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का बखूबी प्रदर्शन करते हैं। स्पोर्ट्स के साथ ही जीएमसी के विद्यार्थी सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। जीएमसी के प्रशासन की तरफ से उन्हें इसमें भरपूर सहयोग दिया जाता है। विभिन्न कलाओं या साहित्य के प्रति रुझान को बढ़ाने के लिए यहाँ के विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच प्रदान किए जाते हैं, जिससे छात्र विद्यार्थी जीवन का पूरा आनंद प्राप्त करते हुए पूरी तरह से शांत चित्त होकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये सत्य है कि पिछले 2 वर्ष पूरे विश्व के लिए भारी पड़े हैं। कोरोना वायरस रूपी आफत ने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया और स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा कर रह गईं। लेकिन कोविड-19 महामारी के प्रभाव वाले इन 2 वर्षों में भी जीएमसी ने मानव कल्याण के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भी जीएमसी ने अपनी भूमिका बखूबी निभाते हुए भारत सरकार के हर आदेश पर पूरा उतरते हुए लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। जीएमसी हॉस्पिटल जम्मू में HDU वार्ड में कोविड-19 के रोगियों के लिए डायलिसिस की सेवाएं शुरू की गईं। कोविड महामारी के दौरान जीएमसी में 15,16,456 लोगों का कोविड टेस्ट किया गया। 1,55,107 लोगों को कोविड वैक्सीनेशन दी गई तथा 12,292 कोविड मरीजों का इलाज भी किया गया। 200 बिस्तरों वाले नए इमरजेंसी ब्लॉक को चालू करके टर्शियरी लेवल हेल्थ केयर फैसिलिटी को मजबूत किया गया। लगभग 1,150.71 लाख रुपए की लागत से बने इस प्रोजेक्ट में पहली और दूसरी मंजिल पर वेंटिलेटर सुविधा के साथ 64 ICU बिस्तर और शेष 32 बिस्तर मेडिसिन विभाग इमरजेंसी में इस्तेमाल किए गए। सभी 96 बिस्तर पूर्णतः वातानुकूलित और मल्टी पैरामीटर्स मॉनिटर्स के साथ उपलब्ध करवाए गए। इसके साथ ही कोविड-19 महामारी के प्रकोप के चलते DRDO ने 500 बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल भगवती नगर जम्मू में स्थापित किया। नव निर्मित मैटरनिटी हॉस्पिटल गांधीनगर जम्मू को भी कोविड अस्पताल के तौर पर समर्पित किया गया और यहां पर लेवल 1 कोविड केयर की स्थापना की गई। जीएमसी में डेडिकेटेड मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को स्थापित किया गया तथा जीएमसी और सभी संबंधित अस्पतालों की ऑक्सीजन क्षमता को वर्तमान 2,450 PMO से 13,875 PMO तक बढ़ाया गया। इसके अतिरिक्त DRDO अस्पताल जम्मू में LMO प्लांट को स्थापित किया गया। बीते 2 वर्षों में लगभग आपातकालीन स्थिति ही बनी रही, लेकिन बावजूद इसके प्रगति पथ पर आगे बढ़ते कदमों पर कोई अंकुश ना लगे, इसका पूरा ध्यान रखा गया। GMC हॉस्पिटल जम्मू में पहली VRDL लैब JNKUT में स्थापित की गई। 8 RT-PCR लैब की स्थापना की गई। स्टेट ऑफ आर्ट को बेस लैब की स्थापना की गई। ऑर्थो OT में मॉड्यूलर थिएटर कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई। GMC जम्मू में कोविड-19 बायो मार्कर्स और एंटीबॉडी टेस्टिंग की शुरुआत की गई। इसके अतिरिक्त 578 हाई एंड वेंटिलेटर्स और 51 मोबाइल ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर की भी सुविधा रखी गई। जब कोविड-19 महामारी मौत का तांडव कर रही थी, तो हर जरूरतमंद और मरीज की देखभाल करते हुए जीएमसी के स्टाफ ने अपनी जान जोखिम में डाली और कुछ कर्मचारी इस आपदा में ड्यूटी निभाते हुए शहीद भी हुए, जिनमें शामिल थे डॉक्टर रजत महाजन, PG रेडियो डायग्नोसिस, श्रीमती रत्ना देवी असिस्टेंट मैट्रन, श्रीमती कृष्णा देवी सीनियर स्टाफ नर्स और श्री पवन कुमार मेल स्टाफ नर्स। आपको याद होगा कि कोविड में सब लोग घर बैठे होते थे, घर से निकलते नहीं, डरते थे।
हम लोग हमारे स्टाफ उस पीरियड में पूरा का पूरा स्टाफ हमारा हॉस्पिटल में अवेलेबल होता था राउंड द क्लॉक। रश इतना होता था कई बार पेशेंट्स ओवरलोडेड, लोगों की शिकायतें भी आई लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे। और आप देखिए इसके रिजल्ट से बहुत सारी जानें बचाई हमने। वैक्सीनेशन हमारे स्टाफ ने कहाँ कहाँ जाके करके की, अपनी जान की परवाह नहीं की। हमारी कई डॉक्टर्स हैं उनकी पूरी पूरी फैमिलीज कोविड से इन्फेक्ट हुई, उसका भी उन्होंने ध्यान देते हुए अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी ड्यूटीज़ पूरी पूरी की। और ये बहुत ही सराहनीय कदम है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये बड़े गर्व की बात है कि जीएमसी से शिक्षा प्राप्त करके विद्यार्थी न केवल देश भर में बल्कि विदेशों में भी बड़े बड़े अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और समय समय पर वो जीएमसी में आकर एलुमनी मीट में एकत्रित होकर अपने अनुभव साझा करते हैं। हर गुजरते लम्हे के साथ इसमें और भी परिवर्तन करते हुए अपने आप को और भी आगे ले जाने के संकल्प के साथ सभी कार्यरत हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को अत्याधुनिक बनाते हुए मरीजों को हर प्रकार की सुविधा प्रदान करना मुख्य केंद्र बिंदु है, जिसके प्रति जीएमसी प्रशासन हमेशा सतर्क रहता है। आज जब जीएमसी अपनी स्थापना की गोल्डन जुबली मना रहा है तो इस अवसर पर उनको याद करना आवश्यक है जिन्होंने जीएमसी को इस स्तर तक पहुंचाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई है। जम्मू मेडिकल कॉलेज सेलिब्रेटिंग 50th एनिवर्सरी, दिस इज द गोल्डन जुबली। आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न अबाउट दिस। माय बेस्ट विशेस आर फॉर द फंक्शन। मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अपना 50वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। ये अत्यंत ही हर्ष का मौका है। इस मौके पर मैं सारे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो फैकल्टी हो, चाहे डॉक्टर्स हो, पैरामेडिक्स हो, चाहे वो स्टाफ मेंबर्स हो, स्टूडेंट्स हो, सबको शुभकामनाएं देता हूं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू इज़ सेलिब्रेटिंग 50 ईयर्स ऑफ इट्स इंसेप्शन एंड ऑन दिस ओकेजन आई एक्सटेंड माय ग्रीटिंग्स एंड कंग्रेचुलेट टू द प्रिंसिपल एंड देयर टीम फॉर मेकिंग दिस इवेंट मोर एक्चुअली जॉयफुल एंड प्रोडक्टिव एकेडमिकली। हम लोग सारे डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से पढ़े हुए हैं, एक जर्नी ट्रैवल करके आज हमारा मेडिकल कॉलेज, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि ये दिन देख रहे हैं कि हमारा मेडिकल कॉलेज जो आज से 50 साल पहले स्टार्ट हुआ था 50 इयर्स कंप्लीट कर रहा है। जीएमसी एक उम्मीद है मरीजों के लिए, उखड़ती सांसें भी उम्मीद की किरण के सहारे यहाँ आती हैं और मेडिकल साइंस के आविष्कारों से अपनी जिंदगी में फिर से खुशियां समेटे, चेहरे पर मायूसी की जगह चमक लेकर रोगी अपने घरों को लौटते हैं तो यहाँ पर सेवा प्रदान कर रहे चेहरे भी खिल उठते हैं। बुझते मायूस चेहरों पर खुशी की झलक देखने के लिए मानो हर कोई कार्यरत है, प्रयासरत है। कहते हैं डॉक्टर तो भगवान के ही प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि अगर भगवान जीवन देते हैं तो डॉक्टर तथा अन्य मेडिकल स्टाफ इंसान को निरोग जिंदगी जीने में सहायक होकर वही कार्य करते हैं जो भगवान करते हैं। जीएमसी के डॉक्टर तथा बाकी कर्मचारी मानव सेवा को अपना ध्येय मानते हैं, खुशियां बांटने का कार्य करते हैं। हमारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों के लिए लगी, हम घर से आते हैं आप लोगों की सेवा करने के लिए, तो हमारा साथ भी दें। साथ में एक मैसेज और देना चाहता हूँ सोसाइटी को कि खाली गवर्नमेंट तो आपको फैसिलिटीज देती है, हमारी जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे शुड कम इन ए बिग वे टू सपोर्ट जीएमसी। जीएमसी किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च की तरह ही तो है, जहां जिंदगी की मुलाकात जिंदगी से होती है। बीमारी से मायूस होकर रोगी जीएमसी में आते हैं और स्वास्थ्य का वरदान लेकर खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। ये सत्य है कि मेडिकल साइंस में नित्य नए आविष्कार हो रहे हैं और बदलते समय में अपने आप को नवीनतम बनाए रखने का प्रयास रहना चाहिए। जीएमसी में कार्यरत हर डॉक्टर और स्टाफ का भी इसके प्रति दृढ़ संकल्प है। यहाँ पर कार्यरत कर्मचारियों का एक ही लक्ष्य होता है,
काम को मात्र काम की तरह ही ना किया जाए, ये तो एक सेवा है और सेवा समझकर ही अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह किया जाता है। जी हाँ, जीएमसी एक पवित्र स्थान है। यहाँ पूरी पवित्रता के साथ अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायता से रोगियों का मेडिकल साइंस के नवीनतम आविष्कारों से इलाज करके उन्हें बीमारियों से छुटकारा दिलाया जाता है। जीएमसी एक उम्मीद है, आशा की किरण है। इस पर पूरे जम्मू संभाग को गर्व है। उन्हें उम्मीद है कि एक बार जीएमसी पहुंच गए तो उखड़ती सांसों को सांसें नसीब हो पाएंगी। यही जीएमसी का मिशन भी है, टू कॉन्कर द सफरिंग्स ऑफ मैनकाइंड। आधुनिकतम है हर विभाग में इसकी कार्य प्रणाली, संयंत्रों के संसाधन में है ये गौरवशाली। निष्ठा और प्रायणता का प्रतीक है ये संस्थान, इसकी गौरव गाथा का हम करते हैं सम्मान। जीएमसी जम्मू, जीएमसी जम्मू, जीएमसी जम्मू, जीएमसी जम्मू।